तो हे गाइस, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। तो मैं आपका एलएस, और आज मैं बताऊंगा नॉर्मल फ़ोटो को हार्ड क्वालिटी में एडिटिंग कैसे करें। तो जो मैंने फ़ोटो क्लिक किया हुआ था वो वीवो मोबाइल का था, तो उसी फ़ोटो को हम लोग हार्ड एडिटिंग करेंगे आज। तो वीडियो में बने रहिए, और जो जो भाई नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो सिंपली आपको जो फ़ोटो एडिटिंग करना है नॉर्मल वाली, वो आपको ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद थोड़ा फोटो लोडिंग ले रहा है, उसके बाद सिंपली हम लोग चले जाएंगे पहले यहाँ लाइट वाले ऑप्शन पे, इफेक्ट वाले ऑप्शन पे सॉरी। फिर यहाँ पे आने के बाद हम लोग क्लियरिटी को यही दो चीज़ बढ़ाने से जो फ़ोटो में मतलब लाइट आता है, नॉर्मल क्वालिटी हार्ड हो जाता है। तो यहाँ पे क्लियरिटी को बढ़ा के हम लोग टेक्सचर को भी बढ़ा लेंगे। यही टेक्सचर को हम लोग रखेंगे +59 के आसपास रख लेंगे। फिर उसके बाद हम लोग सीधे चले जाएंगे लाइट वाले ऑप्शन पे। यहाँ पे आने के बाद इस बार आप अपने फ़ोटो के अकॉर्डिंग बढ़ा लीजिए लाइट को। तो जैसे कि मैं अभी फ़ोटो के अकॉर्डिंग लाइट बढ़ा ले रहा हूँ, तो आप लोग भी अपने फ़ोटो के अकॉर्डिंग लाइट को बढ़ा लें। और अगर वीडियो को अगर स्किप कर देंगे तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा कि कैसे एडिट किया और कैसे नहीं। तो वीडियो को पूरा देखें, थोड़ा सा स्किप कर भी आप लोग को समझ में नहीं आएगा। फिर तो जब लाइट वाले ऑप्शन पे आते हैं तो वहाँ आपको अपना फ़ोटो के अकॉर्डिंग तो फ़ोटो का लाइट बढ़ा लेना है। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे मैं अभी वाइट को भी थोड़ा घटा लूँगा, यही -66, और ब्लैक को हम लोग थोड़ा बढ़ा लेंगे +24 के आसपास रखेंगे। उसके बाद हम लोग चले आएंगे कलर वाले ऑप्शन पर। यहाँ आने के बाद हम लोग सिंपल से कलर को थोड़ा बढ़ा लेंगे। तो हम लोग पहले वाइब्रेशन को टच करेंगे यहाँ पे, वाइब्रेशन को इसको हम लोग कर देंगे +39, सेचुरेशन को हम लोग यही माइनस कर लेंगे 18। फिर टेम्प को हम लोग थोड़ा बढ़ा लेंगे इसे 13 के आसपास। फिर टिंट को भी हम लोग घटा लेंगे -10। तो अभी देख सकते हैं हम लोग का नॉर्मल बिफोर देन आफ्टर। तो अभी हम लोग फोटो में थोड़ा लाइट आया है। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पहला वाला का जो सेचुरेशन है उसको हम लोग बढ़ा लेंगे थोड़ा सा। बढ़ाने के बाद हम लोग सिंपल से चले जाएंगे नेक्स्ट वाले कलर, उसको भी हम लोग तो इसको थोड़ा घटा लेंगे। इसको घटाने से जो अगर आपका DSLR का फ़ोटो है तो आपका फेस इधर अच्छा से वाइट हो जाएगा। आपको स्नैपसीड या स्केचबुक कोई भी एप्लीकेशन में जाने का जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहीं से फ़ोटो जो इस गोरा हो जाता है फेस या कोई भी। तो फिर उसके बाद हम लोग यहाँ से कर लेंगे, इसको हम लोग बढ़ा लेंगे येलो वाला का भी, वही भी हम लोग बढ़ा लेंगे। देन अभी ग्रीन वाला का भी वैसे ही करेंगे, हम लोग इसको भी बढ़ाएंगे और इसको भी हम लोग थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। उसके बाद सिंपल से ब्लू वाले आइकन पर आने के बाद इसको हम लोग बढ़ा लेंगे, इसको हम लोग थोड़ा घटाएंगे। तो जो जो मेरा सीढ़ी है उसका कलर आप लोग देख सकते हैं जो चेंज हो रहा है अपने आप। ये हम लोग वहाँ चेंज नहीं हुआ, यहाँ और ब्लू वाले टच करेंगे तो और चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने जैसे ब्लू का सेचुरेशन बढ़ाया, देन यहाँ पे इधर अगर करेंगे तो और ब्लू हो रहा है थोड़ा थोड़ा। ब्लू नहीं करेंगे हम लोग, तो यही कलर हम लोग को अच्छा लग रहा तो इसी में रहने देंगे। और जो पीछे हम लोग का देख सकते हैं सनलाइट, वो भी एकदम अच्छा आया है। जैसे अभी ऐसे दिख रहे फिर सनलाइट ऐसे हो जा रहा। तो फिर इसके बाद ये दो कलर हम लोग टच नहीं करना। फिर हम लोग चले जाएंगे यहाँ पे टेक्स्टर पे जो सिर्फ मैं पहले टच किया था। उसके बाद हम लोग पेजनेट जो साइड में ब्लैक होता है उसको हम लोग यही कर लेंगे 21 के आसपास। तो हम लोग इतना ही रखना है। तो इसको हम लोग घटा लेंगे, मिड पॉइंट को हम लोग रखेंगे 13। देन फीतर को हम लोग कर लेंगे यही 62। फिर उसके बाद हम लोग चल जाएंगे यहाँ पे डिटेल्स में, इसको शेयर पिनिंग को हम लोग कर लेंगे यही 18। 18 करने के बाद यहाँ इधर नोस रिकॉर्डिंग को हम लोग रख लेंगे 25। इसको इतना रख लिए। फिर यहाँ डिटेल्स को कर देंगे हम लोग 100। 100 करने के बाद फिर क्लोर रिडक्शन में जाने के बाद इसको कर लेंगे 21। फिर सिंपल से हम लोग चले आएँगे इफेक्ट वाले ऑप्शन पर जो 3 लाइन होता है। यहीं से तो एडिटिंग स्टार्ट हो गया, अच्छा से मतलब स्टार्ट हो गया है, यहीं मतलब ख़त्म हो सकता है। तो हम लोग सीधा यहाँ से चूज़ कर लेंगे कोई भी कलर। तो
अभी वाला टच करके देखते हैं। तो देख सकते हैं हम लोग फ़ोटो थोड़ा हार्ड में आया, तो जो कि पहले ऐसे था और अब ऐसे हुआ। तो इसको हम लोग थोड़ा बढ़ा लेंगे, हम लोग जो सनलाइट है वो भी बढ़ रहा है। तो सिंपल से हम लोग देख सकते फ़ोटो कुछ ऐसे था, बिफोर देन आफ्टर, बिफोर देन आफ्टर। तो फिर हम लोग सिंपल से यहाँ पे कर लेंगे, यहाँ पे हम लोग टेक्सचर को थोड़ा बढ़ा लेंगे। अब हम लोग फ़ोटो देख सकते हो कुछ इस प्रकार से, जो कि पहले था ऐसे अब ऐसे हो गया। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर कर देना और मेरा 500 सब्सक्राइब करवा दो प्लीज़। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।